में बीजेपी और शिवसेना में भिड़ंत, अनवर शेख और सुरेश कुलकर्णी में बड़ी तकरार। वो हराम घोर शेख को पूरे से बात करता है, बाप तो बाप होता है ना, बाप के तो हम इज्जत कर तो दुर्भष्टो रहने दुर्भष्टो ये भक्त कुलकर्णी साहेबांची कुत्ते की जात उससे कहीं ज्यादा अच्छे है, वो कुत्तों के लिए अपमान है। एक नंबर चोर है, जगह तीन तीन पैन कार्ड है, हाँ देशद्रोही। अशा लोकांचे सावध राहा की कधी आपल्या कोणाच्या कामाला येणार नाही, तुम्ही तुका देणार नाही, हे फक्त आपले मतलब बघणारे लोक आहेत। नवम्बई मनपा चुनावों की घोषणा से पहले ही त्रिवेश स्टोर में बीजेपी और शिवसेना के बीच तकरार बढ़ गई है। एक हल्दी कुमकुम कार्यक्रम में हत्तलखी साफ नजर आई। शिवसेना के वरिष्ठ नगर सेवक सुरेश कुलकर्णी ने यहां बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ता अनवर शेख की कथित धांधली और कारनामे का खुलासा करते हुए जनता को आगाह किया। यहाँ एक वीडियो कॉल के जरिए सुनील नामक युवक ने अनवर शेख पर 4.5 लाख रुपये लेने का आरोप लगाया। वहीं खुद ऐसे कई मामलों का हवाला देते हुए कहा कि जो व्यक्ति 3 पैन कार्ड लेकर बैंक और आम लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहा है वह देशद्रोही नहीं तो क्या है। कुलकर्णी ने ऐसे धोखेबाजों से सावधान रहने का आह्वान किया। तो उस जगह पे कुछ लोग ने बताया कि दादा ऐसा ऐसा हमारा कुछ प्रॉब्लम हो गया है, सुनील तावड़े करके एक लड़का है, अभी वो माइक पे मोबाइल पे भी बताया उसने कि ऐसा ऐसा दादा हमारा मेरे पास ऑफिस में आके गया कि दादा मेरा पैसा लिया, डाउन पेमेंट वो क्रेडिट कार्ड लेके पैसा निकल के गाड़ी के लिए वापरा, वो 4 लाख रुपये लेके वो गाड़ी लिया, उसके बाद में पैसा भरता करके पैसा नहीं भर रहा है। एक गरीब आदमी को अगर इस तरीका अगर ये इन लोग करते तो बहुत बड़ा धोखादायक है। अगर वो उसका वो आदमी का वो बच्चे का इतना परिस्थिति बिगड़ है आज, वो तो बोल रहा था अभी आपके मोबाइल पे भी बोला, उसके आत्महत्या करने की परिस्थिति हो गए, उसके बैंक का सील किए, अगर ऐसे लोग को अगर कर ले चुन के देगा पब्लिक तो बहुत बड़ी ये दिक्कत होगी कि ये लोग को ये पब्लिक बराबर जगह दिखाएगा। रह गए वो तो हो गया, और एक बंदा आया हमारे पास आज, उन्होंने भी बोला कि उस जगह पर दादा HDFC बैंक चेंबूर में उस जगह पे दूसरे का अकाउंट में से पैसा अपना फ्रॉड अकाउंट खोल के उसमें पैसा जमा करके लिए और वो पैसा निकलने के लिए गया, तो पैसा निकलने के जाने के बाद में वहाँ पर बैंक के लोग पकड़ा, वो पैसा नहीं निकला, तो उस जगह पे उन्होंने क्या बोला कि मेरा अकाउंट नहीं करके उधर से छूट के भाग गया। भागने के बाद में उस जगह पे फिर बाद में पता चला कि फ्रॉड अकाउंट उसका ही सिग्नेचर है, उसका ही नाम है, उस जगह पे एड्रेस दिया सानपड़े का। सानपड़े में आया उन लोग पुलिस भी लेके उसको बहुत तलाश किए, उस जगह पे वो मिला नहीं, भाग गए किधर कर्नाटक भाग गए करके ऐसा सुनील तावड़े भी उन्होंने भी बताया मेरे को। तो इसका बाद में ये होते हुए भी अगर उसका पर गुनाह दाखिल हो गया वो अंदर जेल में भी जाके आया, क्योंकि इधर न्यू बॉम्बे के लोग को ये बात मालूम नहीं। ये ऐसे लोग चोर जब डेपो में एक जब बंगार का गाड़ी चुराया उस टाइम में भी वही परिस्थिति था, मैंने उस जगह पर उनको बहुत बड़ा मदद किया कि बाबा ये ऐसा गलत नहीं है, ऐसा नहीं होएगा, ऐसे चोर लोग को ये ऐसा जनता चुन के देगी। बता दें कि कभी सुरेश कुलकर्णी के करीबी रहे और बीजेपी के हो चुके अनवर शेख ने 4 दिन पहले सुरेश कुलकर्णी को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिससे नाराज होकर तुर्बे के शिवसैनिक और कुलकर्णी के समर्थक आक्रोशित हैं और हर मंच से अनवर शेख के खिलाफ मोर्चा खोल दिए हैं। शिवसेना की महिला नेता सुरेखा गवाने ने भी हमला बोला और सुरेश कुलकर्णी के कार्यों का हवाला देते हुए शिवसेना को समर्थन देने की अपील की। खरोखर या हल्दी कुंकाच्या माध्यमातून या ज्या महिला आहेत गेली 25 वर्ष त्या सुखाने राहत आहेत, त्यांना कुटुंब प्रमुख आपला कुठेही जावो कोणत्याही पक्षात जावो परंतु आम्ही त्यांच्याच बरोबर आहे, हा जो आनंद हा जो विश्वास मी त्यांच्यामध्ये बघितलेला आहे।
रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।